कांतापुरा, नाम तो सुना ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा और स्टोरी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आती है और जेपीएससी के सिलेबस में भी इसको मेंशन किया गया है। कांतापुरा जो है ये कहानी जो है मैसूर की है और ये उन दिनों की बात है जबकि अपना भारत जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था और गांधी जी ने अपने सत्याग्रह से, अपने अहिंसा से, अपने वचनों से पूरे देश को, मतलब पूरा देश में वो क्रांति ला दिए थे। तो ये उस समय का बात है और जो लेखक हैं राजा राव, उन्होंने बताया है कि कैसे गांधी के जो विचार हैं उनसे एक छोटा सा गांव कांतापुरा जो कि पश्चिम घाट में, वेस्टर्न घाट्स के पास है, मैसूर के पास, उस पे प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये पूरी तरह से एक इंडियन नोवेल है। क्यों? क्योंकि इसको बताने का जो तरीका है वो राजा राव ने, जैसे कि क्या होता है इंडियन कल्चर में, क्या होता है कि जो दादी अम्मा है वो कहानियां सुनाती हैं, तो वैसे ही अचक्का नाम की एक वृद्ध महिला है जो इस कहानी को सुना रही हैं। साथ ही साथ भारत में उस समय सोसाइटी में जैसा था, फिर चाहे वो छुआछूत का बात हो, मेल डोमिनेशन की बात हो, हिंदू मुस्लिम डिवीजन की बात हो, ये सब भी दिखाया गया है। और ये भी बताया गया है कि कैसे अगर मान लीजिए कोई विडो है और विडो होने के बावजूद वो अच्छे से रह रही है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रही है, तो जो गांव का एक तबका है उससे कितना घृणा करता है, ये भी बताया गया है। साथ ही साथ स्केफिंगटन कॉफी स्टेट का एग्जाम्पल दिखाया गया है जहां पे मतलब ब्रिटिश का कब्जा है, उस वहां पे कॉफी ग्रो किया जाता है और कैसे वहां पे जो कूली हैं, जो वहां पे वर्कर्स हैं, उनका शोषण होता है, ये भी बताया गया है। गांव में ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण और अपर क्लास है उनका रहने का जगह अलग है और गांव के बाहरी हिस्से में जो है वो लोग जो जुलाहा है, वीबर्स हो गए, उसके बाद पॉटर्स हो गए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जिनको कहते हैं, उसके बाद साथ ही साथ दलित, उनको वहां पे परिहाज कहा जाता है, उनका निवास स्थल अलग है। तो ये सब इस कहानी में बताया गया है। कहानी को जो है हम तीन पार्ट में जानेंगे। पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। देखिए मेल कैरेक्टर्स को तो हमने अभिनय करके बताया है। जो मेन कैरेक्टर है आपका वो मूर्ति है जो कि गांधी के थॉट से बहुत प्रभावित हैं और वो पूरे गांव में उनके थॉट को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं और वही आगे चल के जो है यहाँ पे कांग्रेस कमेटी बनाते हैं, उनका साथ देते हैं। गांव के हेडमैन मुखिया पटेल जो है जिनका नाम रंगे गौड़ा है। साथ ही साथ स्केफिंगटन कॉफी स्टेट है यहाँ गांव के बगल में ही, वहां के कुली भी उनका साथ देते हैं और जो दलित हैं जिनको वहां पे परिहा बोला जाता है वो भी उनका साथ देते हैं। इसके साथ ही महिलाओं का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकेंड हाफ में जब मूर्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर लीड करते हैं रंगम्मा जो कि एक रिच विडो है और उनका साथ देते हैं गांव की महिलाएं। उनकी बहन की बेटी रत्ना वो भी कम एज में विडो हो जाती है लेकिन वो गांव के ऑर्थोडॉक्स तरीकों को नहीं मानती है, इसके चलते गांव का एक तबका उससे नाराज भी रहता है। अचका जो कि स्टोरी को बता रही हैं, उसके बाद कुछ दलित महिलाएं भी उनका साथ देती हैं, वो एक सेविका संघ का गठन करती हैं। तो आइए चलिए अब स्टोरी को देखते हैं, पहले कैरेक्टर को जान लेते हैं। वैष्णव जन को तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। नमस्ते दोस्तों, मैं मूर्ति, मैं इस कहानी का मेन हीरो। मैं गांधी जी के थॉट से प्रभावित हूँ और सत्य अहिंसा को परम धर्म मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गांव के लोग हैं वो भी गांधी के कहे हुए रास्ते को फॉलो करें और ब्राह्मण होते हुए भी मैं सभी से जाके मिलता जुलता हूँ। इवन मैं दलित के यहाँ भी जाता हूँ, खाता पीता हूँ और स्केफिंगटन कॉफी स्टेट में भी जाके मैं कुलियों के साथ मिंगल करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि सत्य अहिंसा में कितनी ताकत होती है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा साथ कौन कौन देते हैं। मेरे साथी हैं रंगे गौड़ा, रंगम्मा, रत्ना, अचका और गांव के कुछ लोग। साथ ही साथ स्केफिंगटन कॉफी स्टेट से जो
रचन्ना है, फिर परियास में सीनू है, और भी परियास लोग हैं, मतलब दलित लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं। और मेरे दुश्मन कौन कौन है? मेरे दुश्मन है भट्ट जो कि पंडित है, स्वामी जो कि पंडित लोग के हेड है, बड़े खान, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेंकम्मा, ये सब जो है ये लोग मेरे दुश्मन हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, आपको कहानी समझने में काफी मदद मिलेगी। अपुन रंगे गौड़ा, अपुन इस गांव का पटेल होने का, बोले तो हेडमैन होने का, अपुन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होने का, और इस गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का। अपुन दिन को बोले रात तो रात होने का, अपुन रात को बोले दिन तो दिन होने का। कभी कभी अपुन को लगता अपुन इच भगवान है, पर अपुन मूर्ति को सपोर्ट करने का, मूर्ति अपने गांव का गांधी होने का, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने का। मैं रचन्ना स्केफिंगटन कॉफी स्टेट में कूलियों को लीड करने का, मूर्ति का बात को कूलियों को समझाने का, सत्याग्रह करने का, मूर्ति के साथ कांग्रेस का सदस्य होने का, जेल जाने का, मूर्ति का साथ देने का, मूर्ति अपने गांव का गांधी होने का, मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने का, बाद में मेरे को स्केफिंगटन कॉफी स्टेट से निकाल देने का, क्योंकि अपन लोग मिलके बड़े खान को मारने का, बड़े खान मूर्ति मूर्ति अपा पे हाथ उठाने का, इसलिए अपन मिलके बड़े खान को मारने का, और इस वजह से साहब लोग जो है अपन को स्केफिंगटन कॉफी स्टेट से निकाल देने का। मैं भट्ट इस कहानी का मेन विलन, और मैं गांधी का मूर्ति का अपोज करता। ये अपना मूर्ति क्या करता जी, ब्राह्मण होके दलित लोगों के साथ जाके मिलता, उनके यहाँ खाना खाता, पानी पीता, धर्म भ्रष्ट कर दिया, अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं स्वामी को बोल के उसको सोसाइटी से बाहर निकालने का, और मैं अंग्रेजों को खबर भी पहुंचाने का गांव का। सलाम वालेकुम। अपुन बड़े खान, अपुन पुलिस होने का, और कांतापुरा में देखने का कि लोग जो हैं वो गांधी के थॉट्स को ना फॉलो करें। ये मूर्ति का बच्चा बहुत बदमाश होने का, गांव के लोगों को भड़काने का, रंगे गौड़ा इसका साथ देने का, रंगम्मा इसका साथ देने का, रचना साथ देने का, अचका साथ देने का, और मैं इन सब पे नजर रख